झारखंड में लाखों टन सोना मिलने का अनुमान। अब झारखंड में होगा सोना ही सोना। क्या सोना मिलने से झारखंड होगा देश का सबसे अमीर राज्य? जानकारी के अनुसार रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के बरोडा टोली सोना खदान का पता चला है। यह 8 वर्ग किलोमीटर में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने इसकी प्रारंभिक जाँच की है और सोना खदान की पुष्टि की है। उधर खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पोंडेपाई सोना खदान का पता चला है। इसके अलावा अड़की प्रखंड के जोजेबेरा उलीहुरांग में भी 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सोने के खदान का पता चला है। इन दोनों जगहों पर भी GSI ने प्रारंभिक जांच कर सोना खदान का पता किया है। अब इसकी जांच खुदाई व अन्य विधि से की जाएगी। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड में हुरुंगड़ाह सोना खदान की पुष्टि भी की गई है। इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। सरायकेला खरसावां में ही हेबेन सोना खदान की पुष्टि भी GSI ने की है। हालांकि अब भी इसकी और गहराई से पड़ताल की जाएगी। झारखंड में झात अब तक के सोना खदानों में रांची जिले के तमाड़ प्रखंड स्थित परासी देश का सबसे बड़ा सोना खदान है। यह खदान 69 हेक्टेयर में फैला है। परासी में 9 लाख टन सोना अयस्क का भंडार है। इसके साथ ही यहां 8 टन चांदी, 82 टन लीड, 369 टन निकेल, 230 टन कोबाल्ट, 98 टन मोलिबेडनम, 103 टन टिन और 102 टन गैलियम का भंडार भी है। इस वजह से यह देश का सबसे बड़ा सोना खदान माना जाता है। जी हां, आपने सही सुना, झारखंड में अब तक 5 सोने की खदान मिल गई है। झारखंड के रांची, खूंटी और सरायकेला खरसावां में सोने की 5 नई खदानों का पता चला है। अब खान विभाग इसके बारे में पूरी जानकारी लेने में जुट गया है। नए सिरे से इन जगहों पर सोने की गुणवत्ता व भंडारण के लिए अन्वेषण होंगे। इसके बाद गोल्ड माइंस ब्लॉक तैयार किया जाएगा। खान विभाग द्वारा अन्वेषण की जिम्मेवारी झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ली JEMCL को सौंपी गई है। JEMCL वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्वेषण का कार्य करेगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे जरूरी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।